सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है, आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा, तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का भाग 7। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की प्रवृत्ति और विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला विषय जो है आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति। आयन के बनने की प्रक्रिया को हम आयनीकरण बोलते हैं। हमने पिछले वीडियो में आयन के बारे में पढ़ा था। हम जानते हैं कि आयन दो तरीके के होते हैं, एक है ऋणायन और दूसरा है धनायन। ऋणायन होता है नेगेटिवली चार्ज और धनायन होता है पॉजिटिवली चार्ज। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह सोडियम एटम की है या सोडियम परमाणु की है। जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो बनता है सोडियम प्लस यानी सोडियम धनायन। इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत होती है, उस ऊर्जा को हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। आइए आयनन एंथैल्पी की परिभाषा को पढ़ें। तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की मात्रात्मक प्रकृति आयनन एंथैल्पी कही जाती है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, यह चित्र आधुनिक आवर्त सारणी का है। इस आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर किसी वर्ग में चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है, लेकिन जब हम बाएं से दाईं ओर किसी आवर्त में चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। आइए अब जानते हैं इस प्रवृत्ति के कारण के बारे में। आयनन एंथैल्पी की इस प्रवृत्ति के दो कारण होते हैं। पहला मुख्य कारण होता है परिरक्षण प्रभाव, जिसे इंग्लिश में हम स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, और दूसरा कारण होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे इंग्लिश में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं परिरक्षण प्रभाव के बारे में यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में।
एक परमाणु में अन्य इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण नाभिक के आकर्षण के किसी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण परिरक्षण प्रभाव कहलाता है। किसी परमाणु में चार तरीके के उपकर्ष यानी सबशेल होते हैं, जैसे S, P, D और F। इन सब शेल्स के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब परिरक्षण प्रभाव सबसे ज्यादा होता है S में, फिर P, फिर D और F, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। परिरक्षण प्रभाव के बाद अब बात करते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव के कारण कुल धनावेश जो इलेक्ट्रॉन पर प्रभावी होता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। मान लीजिए यह चित्र एक परमाणु की है। इस परमाणु में सबसे दूर उपस्थित इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम पड़ता है। आइए अब बात करते हैं आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में, जो कि परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश की वजह से होती है। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। परमाणु त्रिज्या के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन दूर दूर उपस्थित होते हैं, जिसके कारण बाह्य इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण कम लगता है और बाह्य इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी कारण जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तब आयनन एंथैल्पी घटती है। स्क्रीन पर दिया गया चित्र इस प्रवृत्ति या इस ट्रेंड को दर्शा रहा है। जब आप लिथियम से सीजियम की ओर चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी घटती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लिथियम की परमाणु त्रिज्या सीजियम की परमाणु त्रिज्या से कम होती है, इसीलिए लिथियम की आयनन एंथैल्पी सीजियम की आयनन एंथैल्पी से ज्यादा है। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते हैं तब परमाणु संख्या बढ़ जाती है, जिसका अर्थ यह है कि परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक पर धनावेश बढ़ जाता है। इस धनावेश के बढ़ने के कारण बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण भी बढ़ जाता है और यह इलेक्ट्रॉन नाभिक द्वारा अधिक खींचे जाते हैं, जिसके कारण परमाणु त्रिज्या घटती है और बाह्य इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण ज्यादा बढ़ता है और हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है इन इलेक्ट्रॉनों को हटाने की। इसी कारण आवर्त में आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। स्क्रीन पर दिए गए चित्र यही प्रवृत्ति को दिखा रहा है। जब आप लिथियम से नियॉन की तरफ चलते हैं तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, क्योंकि लिथियम की परमाणु त्रिज्या नियॉन की परमाणु त्रिज्या से ज्यादा होती है। क्योंकि नियॉन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी है, इसीलिए उसकी आयनन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। आयनन एंथैल्पी की प्रवृत्ति के बाद अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में। जब कोई परमाणु किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो वह एक ऊर्जा को छोड़ता है
उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र में क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन को लेता है तो क्लोराइड आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन को लेने पर जो ऊर्जा को छोड़ा गया उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी कहते हैं। जब किसी आवर्त सारणी में हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी ज्यादा धनात्मक हो जाती है। वही जब किसी आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी ज्यादा ऋणात्मक हो जाती है। वर्ग 17 यानी ग्रुप 17 के तत्वों को हैलोजन कहते हैं और इन हैलोजन की इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी का मान सबसे ज्यादा ऋणात्मक होता है, क्योंकि हैलोजन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है स्थायी उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए। परमाणु त्रिज्या के बढ़ते ही इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी का मान भी धनात्मक हो जाता है। यानी जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है और नाभिक का आकर्षण बाह्य इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ता है। इसी कारण इनकी इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी का मान भी धनात्मक हो जाता है। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी का मान सबसे ज्यादा धनावेश होता है, क्योंकि इन्हें और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब हम आवर्त में चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या के घटने से नाभिक का आकर्षण बढ़ जाता है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी का मान भी ऋणात्मक हो जाता है। इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी की प्रवृत्ति के बाद अब बात करते हैं विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के बारे में। पहले जानते हैं विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता को इंग्लिश में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहते हैं। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सोडियम से ज्यादा होती है तो एक सहसंयोजक बंध में जब सोडियम और फ्लोरीन होते हैं तो फ्लोरीन सोडियम का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। एक आवर्त सारणी में जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है, लेकिन जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर बढ़ते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। आइए अब पढ़ते हैं इसके कारण को। जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं तब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, जिसके कारण नाभिक का आकर्षण कम होता है। इसी कारण विद्युत ऋणात्मकता भी घटती है। लेकिन जब किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तब परमाणु त्रिज्या घटती है और नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। इसी कारण दाएं से बाईं ओर जाने पर विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है। अधातु के गुणधर्म विद्युत ऋणात्मकता की वृद्धि के साथ बढ़ता है। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने आयन एन्थैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में जाना, हमने इलेक्ट्रॉन लाभदी एन्थैल्पी की प्रवृत्ति के बारे में जाना और विद्युत ऋणात्मकता की प्रवृत्ति के बारे में जाना। तो चलिए देखते हैं कि हम अगली वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम रासायनिक गुणधर्मों में आवर्त प्रवृत्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय समतल में गति भाग 5। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार हम लोग नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वेग तथा त्वरण, उसके बाद हम पढ़ेंगे किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, तथा अंत में हम पढ़ेंगे आपेक्षिक वेग। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले अपना पिछला टॉपिक स्थिति तथा विस्थापन सदिश को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि विस्थापन सदिश को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है, जहां पर सदिश R2 और सदिश R1 है स्थिति सदिश, और इस समीकरण को इस रूप में लिखा जा सकता है, जहां H2 I cap plus Y2 J cap plus Z2 K cap R2 का मान है, और इसी तरह X1 I cap plus Y1 J cap plus Z1 K cap R1 का मान है। तो यदि हम इसको हल करें तो हमें अगली समीकरण इस प्रकार मिलती है, जहां पर हमने समीकरण को I cap, J cap तथा K cap की दिशा में बांट दिया है। तो X2 माइनस X1 को हम लिखते हैं डेल्टा X, इसी तरह Y2 माइनस Y1 को लिखते हैं डेल्टा Y, और Z2 माइनस Z1 को लिखते हैं डेल्टा Z, और इस तरह हमें समीकरण मिलती है विस्थापन सदिश R बराबर डेल्टा X I cap प्लस डेल्टा Y J cap प्लस डेल्टा Z K cap। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में हम पहले एक स्थिति सदिश लेते हैं, जो है सदिश X1 बराबर 40 I cap प्लस 32 J cap माइनस 20 K cap, और एक दूसरा स्थिति सदिश लेते हैं जो है X2 बराबर 20 I cap माइनस 12 J cap प्लस 5 K cap। अब हमें विस्थापन सदिश का मान ज्ञात करना है, तो विस्थापन सदिश के लिए हम लिख सकते हैं सदिश R बराबर सदिश X2 माइनस सदिश X1। अब यहाँ पर हम X2 तथा X1 के मान रखते हैं, तो इससे हमें समीकरण मिलती है सदिश R बराबर 20 I cap माइनस 12 J cap प्लस 5 K cap माइनस 40 I cap प्लस 32 J cap माइनस 20 K cap, जिसे हल करके हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां पर हमने समीकरण को I cap, J cap तथा K cap की दिशा में बांट दिया है। अब इसे आगे हल करते हैं तो हमें इस तरह से समीकरण मिलती है, जो है सदिश R बराबर माइनस 20 I cap माइनस 42 J cap प्लस 25 K cap, और इस तरह हमें विस्थापन सदिश मिल जाता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और समतल में गति के लिए वेग को पढ़ते हैं। वेग को इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी। किसी वस्तु के विस्थापन तथा संगत समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। आइए इसे फॉर्मूला से देखते हैं। तो इसका गणितीय सूत्र इस प्रकार होता है, जो है सदिश v बराबर डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। यहाँ पर डेल्टा R है विस्थापन तथा डेल्टा T है समय अंतराल। अब यहाँ पर हम डेल्टा R को I cap तथा J cap की दिशा में बांट के लिख सकते हैं, जो होता है डेल्टा X I cap प्लस डेल्टा Y J cap। इस तरह हमें वेग मिलता है डेल्टा X अपॉन डेल्टा T I cap प्लस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T J cap। तो डेल्टा X अपॉन डेल्टा T को लिख सकते हैं UX, और डेल्टा Y अपॉन डेल्टा T को लिख सकते हैं UY। औसत वेग की दिशा डेल्टा R की दिशा के समान होती है, मतलब औसत वेग तथा विस्थापन की दिशा समान होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ताक्षणिक वेग के बारे में पढ़ते हैं। यदि औसत वेग में समय अंतराल की सीमा को शून्य तक पहुंचा दिया जाए तो प्राप्त वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। आइए इसे सूत्र का प्रयोग करके समझते हैं। तो यहां पर हमारा गणितीय सूत्र है, सदिश v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा R अपॉन डेल्टा t। यहां पर हमने औसत वेग के सूत्र में लिमिट लगा दी है, और लिमिट की वजह से यह सूत्र डिफरेंशिएशन की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, मतलब अवकलन के रूप में, जिससे हमें सूत्र इस प्रकार से मिलता है, जिससे हमें मिलता है सदिश v बराबर dr ओवर dt,
और इसे ही हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी तात्क्षणिक वेग कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं और तात्क्षणिक वेग को आई कैप तथा जे कैप की दिशा में व्यक्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम वेग का सूत्र लेते हैं। सदिश v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। यहां पर हम डेल्टा r को आई कैप तथा जे कैप की दिशा में व्यक्त करते हैं, जिससे हमें मिलता है सदिश v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा t आई कैप प्लस डेल्टा y बटे डेल्टा t जे कैप। अब यदि हम कोष्टक यानी ब्रैकेट खोलें तो समीकरण इस तरह मिलती है, जहां पर लिमिट अब अलग अलग टर्म्स पर अप्लाई है, जिससे अब हमें आई कैप तथा जे कैप की दिशा में अवकलन के रूप में वेग मिलते हैं, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जहां पर dx बटे dt है आई कैप की दिशा में वेग और dy अपॉन dt है जे कैप की दिशा में वेग। तो dx अपॉन dt को हम लिखते हैं vx और dy अपॉन dt को लिखते हैं vy। इस तरह हमें वेग की समीकरण मिलती है सदिश v बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं वेग का परिमाण। इसके लिए हम वेग की समीकरण लिखते हैं, जो है सदिश v बराबर vx i कैप प्लस vy j कैप। अब इस वेग का परिमाण इस प्रकार व्यक्त करते हैं, जो है v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वेग तथा क्षैतिज अक्ष के बीच का कोण। इसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, जो है tan थीटा इज इक्वल टू vy बटे vx, जहां पर थीटा होगा tan इनवर्स vy अपॉन vx और थीटा ही कोण को प्रदर्शित करता है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और त्वरण पर नजर डालते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। किसी वस्तु के वेग तथा संगत समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं, जिसका सूत्र इस प्रकार लिखते हैं सदिश a बराबर डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। अब यदि डेल्टा v को i कैप तथा j कैप की दिशा में व्यक्त किया जाए तो ये समीकरण इस प्रकार व्यक्त की जा सकती है, जहां पर डेल्टा ux बटे डेल्टा t को लिखा जा सकता है ax और डेल्टा uy अपॉन डेल्टा t को लिखा जा सकता है ay, जहां पर ax और ay i कैप तथा j कैप की दिशा में त्वरण है। औसत त्वरण की दिशा डेल्टा v की दिशा के समान होती है। यदि त्वरण में समय अंतराल की सीमा को शून्य तक पहुंचा दिया जाए तो प्राप्त त्वरण ताक्षणिक त्वरण कहलाता है। इसको इस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर औसत वेग के सूत्र में लिमिट को लगाया गया है, जो है सदिश a बराबर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इससे हमें अवकलन का रूप प्राप्त होगा और मिलेगा सदिश a बराबर dv अपॉन dt। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक त्वरण को i कैप तथा j कैप की दिशा में व्यक्त करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम त्वरण का सूत्र लेते हैं। अब यहां पर डेल्टा v को i कैप तथा j कैप की दिशा में व्यक्त कर लेते हैं, जहां पर हमें कोष्ठक खोलने पर यह समीकरण प्राप्त होती है, जिससे हम लिख सकते हैं dvx upon dt i कैप plus dvy बटे dt j कैप, जहां पर dvx upon dt को लिख सकते हैं ax और dvy upon dt को लिख सकते हैं ay, जहां पर ax और ay i कैप तथा j कैप की दिशा में ताक्षणिक त्वरण के मान हैं। तो इस तरह हमें त्वरण का मान मिल जाता है, त्वरण a बराबर ax i कैप plus ay j कैप। तो आइए आगे बढ़ते हैं और किसी समतल में एक समान त्वरण से गति के बारे में पढ़ते हैं। यदि कोई कण एक xy समतल में एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो एक समय अंतराल के उपरांत औसत त्वरण को ही एक समान त्वरण कहते हैं। इसे हम इस सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, जो है a बराबर v माइनस v नॉट अपॉन t माइनस 0, जहां पर v है अंतिम वेग, v नॉट है प्रारंभिक वेग, t है अंतिम समय और प्रारंभिक समय को हमने माना है शून्य। जिस समीकरण को यदि हम हल करें तो हमें समीकरण इस तरह प्राप्त होती है, जो है at is equal to v minus v naught, और इस तरह हमें गति की प्रथम समीकरण प्राप्त होती है, जो है v is equal to v naught plus at। तो आइए
आगे बढ़ते हैं और स्थिति में परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। स्थिति में परिवर्तन की समीकरण इस प्रकार होती है, जहां R है अंतिम स्थिति तथा R नॉट है प्रारंभिक स्थिति। तो लिखते हैं R माइनस R नॉट इज इक्वल टू वेग का औसत गुणा T। यहां पर V प्लस V नॉट बाई टू है वेग का औसत। तो आइए आगे देखते हैं। इस समीकरण को हम हल करने के लिए V का मान गति के प्रथम समीकरण से V नॉट प्लस AT रखते हैं, जिसको हल करने से हमें मिलता है V नॉट T प्लस AT by 2 into T, जिसके द्वारा हमें गति की द्वितीय समीकरण मिलती है, जो कि इस प्रकार है R minus R नॉट is equal to V नॉट T plus 1 by 2 AT square। तो आइए आगे देखते हैं। इस समीकरण को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, जो है R is equal to R नॉट plus V नॉट T plus 1 बटे 2 AT square। यदि इस समीकरण को I कैप की दिशा में व्यक्त करना हो तो इस प्रकार लिखा जा सकता है, जहां पर x है x की दिशा में अंतिम स्थिति और x नॉट है प्रारंभिक स्थिति। इसी प्रकार j कैप की दिशा में समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है, जहां पर y है j कैप की दिशा में अंतिम स्थिति और इसी तरह y नॉट है प्रारंभिक स्थिति, जिसके फलस्वरूप हमें पता चलता है कि दो विमा मतलब किसी समतल में एक समान त्वरण के लिए गति को दो अलग अलग समकालिक एक विमीय एक समान त्वरित गतियों के रूप में बांटा जा सकता है, जिनकी दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है। इसका मतलब है यदि कोई पिंड एक समान त्वरण से गति कर रहा है तो उसकी गति को i कैप तथा j कैप की दिशा में व्यक्त किया जा सकता है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और समतल में गति के लिए दो विमाओं में आपेक्षिक वेग के बारे में पढ़ते हैं। यदि दो पिंड A तथा B क्रमशः VA तथा VB गति से गतिमान है तो पिंड A की गति पिंड B के सापेक्ष इस प्रकार व्यक्त की जाती है, जो है VAB बराबर VA माइनस VB। और इसी तरह यदि हम देखें कि पिंड A की गति पिंड B के सापेक्ष क्या होगी, तो उसके लिए हमें समीकरण मिलती है VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA, जिसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जहां से हमें संबंध मिलता है VBA is equal to minus VAB। और यदि हम इसके परिमाण देखें तो वो बराबर होते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ा वेग तथा त्वरण, उसके बाद हमने पढ़ा किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा दो विमाओं में आपेक्षिक वेग। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रक्षेपीय गति तथा एक समान वृत्तीय गति। धन्यवाद। Thank you.
नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक बलगतिकी का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम वेग स्थिरांक की इकाइयों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वेग स्थिरांक की इकाइयां। ये कोई एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए जो वेग होगा वो होगा के ए की सांद्रता x और बी की सांद्रता y, जहां पर x जमा y n के बराबर होगा। तो अगर मैं k को एक तरफ ले जाऊं तो वो हो जाएगा वेग भागा a की सांद्रता x, b की सांद्रता y। अब मैं ऐसा मानता हूं कि a और b की सांद्रता एक समान है, मतलब वो बराबर है, तो ये बन जाएगा सांद्रता भागा समय गुणा एक बटा सांद्रता की पावर n। तो अब मैं यहाँ पर n की जगह 0, 1, 2, 3 रखता जाऊंगा और उस हिसाब से मुझे जो k है उसकी इकाई मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो n है वो अभिक्रिया की कोटि है, तो n की जगह पर मैं जो भी नंबर रखूंगा उसके हिसाब से मुझे जो k है उसकी इकाई मिल जाएगी। तो आपके सामने अब ये टेबल आई है, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है उसके लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो है मोल लीटर माइनस वन सेकेंड इनवर्स, और प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो है सेकेंड इनवर्स। द्वितीय कोटि की जो अभिक्रिया है उसके लिए जो वेग स्थिरांक की इकाई है वो है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये जो वेग स्थिरांक की इकाइयां हैं इन्हें आपको याद करना है और अपनी कॉपियों में भी लिख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेग निर्धारक पद की। जटिल अभिक्रियाओं में हम वेग को सीधे नहीं निकाल सकते, हालांकि अगर अभिक्रिया सरल है तो हम उस अभिक्रिया के लिए वेग को सीधे ही निकाल लेंगे, लेकिन जटिल अभिक्रिया के लिए वेग को सीधे नहीं निकाल सकते। जटिल अभिक्रियाओं के लिए वेग को वेग निर्धारक पद से निकाला जाता है, और वेग निर्धारक पद जो होता है वो सबसे मंद पद होता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आइए अब कोटि और आणविकता के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। पहली जो चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा है, यह शून्य हो सकती है पर आणविकता शून्य नहीं हो सकती। दूसरी जो चीज है वो ये है कोटि प्राथमिक एवं जटिल दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं पर लागू होती है, पर आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रिया के लिए ही परिभाषित होती है। ये दोनों बातें आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं वेग समीकरण। वेग समीकरण हम दो तरह की अभिक्रियाओं के लिए पढ़ेंगे, पहला शून्य कोटि की अभिक्रियाओं के लिए, दूसरा प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए। तो शुरू करते हैं शून्य कोटि की अभिक्रियाओं से। मान लीजिए कि ये एक अभिक्रिया है जो शून्य कोटि की है, इसके लिए माइनस dr बाय dt बराबर a, r की सांद्रता शून्य। शून्य इसलिए क्योंकि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो r की सांद्रता की पावर शून्य यहाँ पर एक हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस dr बाय dt बराबर k। तो dr बराबर माइनस k dt। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर अदला बदली करी है और उससे dr बराबर माइनस k dt आया है। अब अगर हम आगे समाकलन करेंगे तो r बराबर माइनस kt प्लस i आ जाएगा। जब t बराबर 0 होगा तो i की जो मात्रा होगी वो हो जाएगी r नॉट। यहाँ जो r नॉट है वो अभिक्रिया की शुरुआत में जो r सांद्रता थी उसे दर्शा रहा है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण निम्न होगा, r बराबर माइनस kt प्लस r नॉट।
तो ये जो है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समीकरण होगा। तो आइए देखते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है। आप देख सकते हैं y एक्सिस पर r की सांद्रता है और x एक्सिस पर समय है। तो r नॉट से जो है अभिक्रिया शुरू हुई और धीरे धीरे नीचे जाती गई। और ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ एक सीधी रेखा का रूप ले रहा है। आपने देखा होगा कि जो पीछे समीकरण आया था वो एक सीधी रेखा का समीकरण था और उस समीकरण में जो ढाल था वो माइनस के था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ढाल है वो माइनस के है। तो इस ग्राफ को आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए। तो अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने वेग स्थिरांक इकाइयों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वेग समीकरण के बारे में पढ़ा, हमने शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग समीकरण के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई की चीज़ें समझ आई होंगी। आप इन चीज़ों को NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग वेग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम अभिक्रिया की अर्धायु के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम छठम प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, भौतिकी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व का पहला भाग समझेंगे। इस भाग में हम बात करेंगे चुंबकीय क्षेत्र की और इसके बाद समझेंगे लॉरेंस बल को और अंत में जानेंगे विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल को। तो आइए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी चुंबक के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें उस चुंबक की उपस्थिति की वजह से आकर्षण या प्रतिकर्षण यानी किसी बल का अनुभव किया जा सके, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र। जैसे किसी दंड चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को हम उसके आसपास लोहे के बुरादे को फैलाकर देख सकते हैं। जहां तक लोहे का बुरादा बल का अनुभव करेगा उसकी स्थिति में बदलाव आएगा और जहां बल का अनुभव नहीं होगा वहां लोहे का बुरादा पहली वाली स्थिति में ही रहेगा। दोस्तों, हमें प्राचीन समय में ये तो पता लग गया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय होते हैं और ये पदार्थ प्राय प्रकृति से मिलते थे, लेकिन किसी ने भी उस समय ये नहीं सोचा था कि हम भी ऐसी चीजों का निर्माण कर सकते हैं जिससे वो एक चुंबक के जैसे व्यवहार करे। इस विचार को जन्म दिया हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के एक प्रयोग ने। दोस्तों, जब हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड अपने प्रयोगशाला में एक प्रयोग कर रहे थे जिसमें वो एक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित कर रहे थे, तो उनकी नजर पास ही में रखे एक चुंबकीय कंपास पर पड़ी जिसकी सुई विद्युत धारा के चालू या बंद होने पर विचलन करती थी। इसके बाद उन्होंने ये प्रयोग और सावधानी पूर्वक दोहराया और इस प्रयोग ने जन्म दिया भौतिकी की एक नई संकल्पना को जिसे कहा जाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इन्हीं प्रयोगों को और सावधानी पूर्वक करने पर पता लगा कि एक विद्युत धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और इस क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के इर्द गिर्द सकेंद्रीय वृत्त के रूप में होती हैं, जिनका केंद्र तार पर ही होता है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक से बनने वाली चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा को समझने के लिए एक नियम दिया गया जिसे कहा जाता है
दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इस नियम के अनुसार अगर आप अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा में रखेंगे तो आपकी बाकी की उंगलियां जिस दिशा में मुड़ी होंगी वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अपना अगला विषय जो कहलाता है लॉरेंस बल। दोस्तों, इस बल को सबसे पहले हेनरिक एंटोन लॉरेंस ने अनुभव किया था। उन्होंने देखा कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी आवेश का गमन कराया जाता है तो उसके निर्धारित पथ में विचलन आ जाता है, यानी कि पुराने पथ को भूलकर वह एक नए पथ में चलने लगता है। इस परिमाण को निर्धारित करने के लिए उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश पर एक बल लगता है जिसके प्रभाव में आकर वो अपना मूल पथ से विचलित हो जाता है। इसे ही लॉरेंस बल कहा जाता है और ये बल एक गतिमान आवेश पर ही लगता है, न कि एक स्थितिज आवेश पर। इसके अलावा दोस्तों, लॉरेंस बल को नापने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया था जो है F बराबर Q ब्रैकेट V क्रॉस B। दोस्तों, यहाँ पर V आवेशित कणों का वेग सदिश है जबकि B चुंबकीय क्षेत्र का सदिश। और जैसा कि हम जानते हैं कि किन्हीं दो सदिशों के सदिश गुणनफल को लिखा जा सकता है QVB साइन थीटा से। इसके अलावा अगर बल की दिशा की बात करें तो वो V और B का सदिश गुणन ही बल की दिशा भी होगी, यानी कि V और B के लंबवत। बल की दिशा का पता आसानी से लगाने के लिए फ्लेमिंग द्वारा एक नियम दिया गया जिसे आप अपने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और जिसे कहा जाता है फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। इस नियम के अनुसार आप अपने बाएं हाथ की पहली तीन उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत दिशा में फैलाएं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो आपकी प्रथम यानी तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है जबकि आपकी दूसरी यानी मध्य उंगली आवेश की गति की दिशा को दिखाती है। और अब आपका अंगूठा लॉरेंस बल की दिशा को दर्शाएगा, यानी अगर आपको किन्हीं भी दो राशियों की दिशा का पता है तो आप अपनी उंगलियों को उसी दिशा में फैलाकर तीसरी राशि की दिशा का पता लगा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल की। एक ऐसा धारावाही चालक जिसमें कुछ आवेश उपस्थित है और जिसकी लंबाई है एल। इसके अलावा इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ए और इस तार में आवेश का संख्या घनत्व है एन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा था कि किसी गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को मापा जाता है एफ बराबर क्यू ब्रैकेट वी क्रॉस बी से। अब क्योंकि यहाँ पर इस तार में बहुत सारे आवेश एक साथ गति करेंगे तो इसलिए हम सबसे पहले तार के अंदर उपस्थित आवेश की कुल संख्या निकाल लेते हैं जो होगी N A L। इसके अलावा हम जानते हैं कि किसी भी चालक के अंदर आवेश जिस वेग से गति करते हैं उसे संवहन वेग कहा जाता है और उसे V D से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर कुल बल होगा N A L Q V D क्रॉस B, या इसे लिख सकते हैं N Q V D A L क्रॉस B। और N Q V D और A का गुणनफल होता है विद्युत धारा यानी कि I। तो अब बल F बराबर आएगा I L क्रॉस B के। तो दोस्तों, ये तो बात हुई धारावाही चालक के अंदर लगने वाले बल के परिमाण की। अब देखते हैं कि इस बल की दिशा क्या होती है। दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा को फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से समझा जा सकता है जिसे आप पहले ही जान चुके हैं। तो आइए यहाँ इस चित्र में दिखाई गई स्थिति में चालक पर लगने वाले बल की दिशा का पता लगाते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दोस्तों, यहाँ पर दिखाए गए चुंबक में लाल सिरा उत्तरी
और नीला सिरा दक्षिणी ध्रुव को दर्शाते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर से नीचे की ओर। आइए अब देखते हैं चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा क्या है। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि विद्युत धारा बाईं से दाईं दिशा में प्रवाहित होती है, तो अब यहाँ आप इस वीडियो को रोककर अपने बाएं हाथ का उपयोग कर अनुमान लगाइए कि बल की दिशा क्या होगी और अपने अपने उत्तर को अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। चलिए अब मैं भी अपने बाएं हाथ का उपयोग कर जानती हूँ कि इस चालक पर लगने वाला बल किस दिशा में होगा। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र जो है ऊपर से नीचे की ओर, यानी मैंने अपनी पहली उंगली को ऊपर से नीचे की ओर फैलाया। इसके बाद विद्युत धारा जो है बाईं से दाईं दिशा में, और ठीक इसी के समांतर मैंने अपनी मध्य उंगली को फैला लिया। तो दोस्तों ऐसा करने पर मेरा अंगूठा जिस दिशा की ओर इंगित करता है वो है हमारे शरीर के विपरीत, यानी इस स्क्रीन के अंदर की ओर। क्या आपका अंगूठा भी यही दिशा दर्शा रहा था? यानी कि इसका मतलब हुआ कि ये चालक इसी दिशा यानी स्क्रीन के अंदर की दिशा में गति करेगा, जैसा कि हमने पहले चित्र में देखा भी था। तो दोस्तों हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। हमारे आज के इस वीडियो में हमने समझा चुंबकीय क्षेत्र को, जिसके बाद जाना इस क्षेत्र में गति करते किसी आवेश पर लगने वाले बल यानी लॉरेंस बल को, और इसके परिमाण और दिशा को। इसके बाद समझा किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल को। हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे चुंबकीय क्षेत्र में गति और संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में गति की। तब तक के लिए गुड बाय। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए bepclots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से eLots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें।